बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए हमें सब चीज़ें यूज़ करेंगे। हम इसमें 4 चम्मच दही, 4 चम्मच हम बेसन लेंगे, इसमें 1 चॉप की हुई प्याज, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच धनिया, 2 ग्रीन चिली मैंने इसे चॉप कर ली है, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कढ़ी का। और ये इसका बघार। बघार के लिए मैं प्याज थोड़ी सी ले ली है, 1/2 चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते, 1 लाल मिर्च। इसका बघार के लिए अब हम इसमें 4 चम्मच बेसन लेते हैं, 2, 3, 4 चम्मच बेसन, 6 से घोल लेंगे। इसमें गुठलियाँ ना रहे, हमने इसे एकदम अच्छे से पेस्ट बना लिया, इसमें जरा से भी गुठली नहीं है। अब हम इसमें ये सब मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसे चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा देंगे। कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। 2 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं जाके ये तले में हमारी कढ़ी। घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी पक्का। देखिए इसमें उबाल आ रहा है, इसे चलाते चलाते मुझे 5 मिनट हो गया है। बहुत अच्छे से ही कढ़ी पक रही है और नीचे बिल्कुल नहीं लगी है। जब तक ये कढ़ी तैयार हो रही है तो हम जब तक अपना पकौड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 चम्मच बेसन लिया, इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन नमक, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। पकौड़े बना के
कढ़ी डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और भी तरीके से पकौड़े बनते हैं लेकिन मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं मेरी फैमिली को। हमारे पकौड़े तैयार हो गए और हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ी भी हमारी बहुत अच्छी से पक गई है, देखिए पकते पकते ये आधी हो गई है। ज़रा अभी मुझे नहीं लगी है, बाद में बहुत अच्छी पक गई है, सारे मसाले इसमें गल गए हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है, कढ़ी हमें एकदम परफेक्ट बन गई। अब हम इसका बघार लगाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप तेल बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे डिशेस। फैमिली को बनाकर खिलाइए कढ़ी पकौड़े। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये इसका परफेक्ट लुक कढ़ी पकौड़े। अल्लाह हाफिज़।